अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। असल में कुछ चीज़ें थी जो कि बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सनल भी साथ साथ चल रही होती हैं, तो इट टुक मी सम टाइम टू ज्वाइन एंड नाउ इट टुक मी 2 to 3 more minutes टू स्टार्ट। खैर, नाउ एवरीथिंग इज डन, सो वी विल बिगिन। तो जनाब, आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा टास्क दिया था कि आप लोगों ने कंपनीज एक्ट के सवालों को देखना, एंड कुछ बच्चों ने माशाल्लाह से इम्प्रेस भी किया। उन्होंने दिखाया कि सर देखे हम लोग काम कर रहे हैं, और एक भाई ने 3 सवाल पुट अप किए जिसका बहुत खूबसूरती के साथ मुआविज भाई ने रिप्लाई दिया था, एंड आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द रिप्लाई। बट साथ ही साथ मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि मॉविज इस दफा पेपर नहीं निकाल पाया। लिटरली मॉविज, आई फील फॉर यू। बस इस दफा अब आपने जो कसर रह गई थी लास्ट टाइम, कुछ भी हो गया था ये सब के लिए, इस दफा आप सब लोगों ने मुझे पास होकर दिखाना है। कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह हो जाता है, बट वी मस्ट नॉट फील फॉर इट, वी शुड स्ट्राइव फॉर इट इंशाल्लाह। ले जनाब, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज। स्प्रिंग 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हैं ए बी सी डी ई, 5 पार्ट्स। तो एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये 5ों पार्ट्स आपने एग्जाम हॉल में अलग अलग पेज पे करने हैं। 5ों पार्ट्स एग्जाम हॉल में अलग अलग पेज के ऊपर आप लोगों ने करने हैं। दैट शुड बी योर की टू सक्सेस, क्योंकि आईकैप कहता है कि उसको हर पार्ट अलग सफ़े पे चाहिए। तो आपने वहां पे कंजूसी नहीं दिखानी, आपने तरीके के साथ चीजों को लेके चलना है। ये नहीं सोचना कि जनाब एक पार्ट है तो उसका 2 लाइनों में मैं आंसर कर रहा हूं तो कोई मेरे पूरी शीट जाया हो रही है। नहीं, आपने इसको थ्रू आउट देखना है। आई रिमेम्बर सुबह एक बी लॉ का स्टूडेंट मुझे मिला, तो वो कहता है कि सर मेरे 44 नंबर आए हैं। मैंने कहा अच्छा, रीजन? कहता सर मैंने एक पेज पे तीन तीन चार चार पार्ट्स किए थे, और 44 में से वो मुझे बता रहा था कि उसके 25 MCQs भी ठीक थे। तो दैट वाज हिज रीजन ऑफ फेलियर। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट आप लोगों ने इस चीज का खास सम खास ख्याल रखना है। ठीक, तो कंपनीज एक्ट के सिनेरियोस को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट A, कुछ बहुत आसान होंगे तो हम इसको थोड़ा बहुत क्विकली भी लेके चलेंगे, आपने घबराना नहीं है। वो कहता है फरुख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी। गैस कंपनी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक यूटिलिटी कंपनी? क्या इब्राहिम गैस एक यूटिलिटी कंपनी है? तो यूटिलिटी कंपनी के केस में मुझे क्या देखना चाहिए? 1 मिलियन की अमाउंट मुझे देखने चाहिए। डेज कितने? 90 डेज। अच्छा जी, द फर्म इज इंडेब्टेड टू द कंपनी और उसने पिछले 2 महीनों का बिल पे नहीं किया जिसकी अमाउंट है 4,860। क्या मुझे ये 4,860 देखनी चाहिए? क्या ये 4,860 किसी किस्म से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, मुझे क्या देखना चाहिए था? नंबर ऑफ डेज। ये बन रहे हैं 2 महीने, क्या हो जाएगा 59 डेज, 60 डेज या 61 डेज? तो जितने भी दिन बना लो वो 90 दिनों से कम है, तो फरुख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अच्छा जी, अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने बताना है रेलेवेंट लॉ। इसका ना 3 स्टेप मॉडल होता है। सबसे पहले आप बताएंगे रेलेवेंट लॉ, यानी कि ये पॉइंट देख के आपके जहन में जो रेलेवेंट लॉ स्टक हुआ दैट वाज यूटिलिटी कंपनी वाला लॉ, तो आपने 2 लाइनों में वो लॉ बता दिया। फिर नीचे आपने सिनेरियो को लिंक करना है उस लॉ के साथ, यानी कि आप बताएंगे कि इस केस में इब्राहिम गैस कंपनी को एक ऑडिटर अपॉइंट करना है, फरुखन कंपनी, और उन्होंने लेस देन 90 डेज का बिल पेंडिंग है।
और नीचे उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे कि यस वो अपॉइंट हो सकता है क्योंकि लॉ ने मना किया है 90 दिन, और उससे ऊपर वाले को चूंकि इसका बिल 60 दिन है और वो 60 दिन 90 दिन से कम होते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल 100% वैलिड है। तो इस तरीके से आपने ये सवालों को देके चलना है। फिर जरा पार्ट बी देख लेते हैं। After 100 days of incorporation, that directors of Rehman Limited decided to appoint Mr. Shahid as company statutory auditor. मुझे बताइए इतनी लाइन में कोई मसला है क्या? इतने जुमले में कोई मसला है? डायरेक्टर्स 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पहला पहला ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, मगर ये शहजादे कब कर रहे हैं? 100 दिनों के बाद। तो 100 दिनों के बाद कौन अपॉइंट करता है? SECP। तो ये तो हरकत ही गलत कर रहे हैं, बिकॉज 90 डेज की लिमिट है, 90 डेज की लिमिट है, और ये लिमिट क्या हो गई है? क्रॉस। ये 90 डेज वाली लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो अब मेरा ऑडिटर कौन लेकर आएगा? SEC और P। तो मुझे फिर ये आगे की लाइन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऊपर वाली बात ही गलत हो रही है। चलिए लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 100 डेज नहीं है, यहाँ पे लिखे हुए हैं 89 डेज, अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारा जो आगे वाला जुमला है हम उसको भी देख सकें। तो आफ्टर 89 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर शाहिद। अच्छा, मिस्टर शाहिद वॉज एम्प्लॉयड बाय कंपनी बिफोर ही स्टार्टेड हिज ओन प्रैक्टिस, पहले वहां पे एम्प्लॉय हुआ करता था। तो हम क्या बताएंगे मसीशा, यहां पे हम ये बताएंगे कि जनाब अगर, तो डिप्लोमेटिक आंसर देंगे क्योंकि उसने हमें लिमिट नहीं बताई, हम ये कहेंगे कि अगर तो 3 साल का वक्फा गुजर चुका है तब तो वो वैलिड है, अदरवाइज उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। तो 3 साल वाली बात यहाँ पे आप लोग कर रहे होंगे, 3 साल वाली बात यहाँ पे कर रहे होंगे, अज्यूम कर रहे हैं ना। मगर एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कितने दिनों के बाद हुई? कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए कितने दिन गुजरे हैं? 89 डेज। तो क्या 89 डेज गुजरने के बाद 3 साल का वक्फा गुजर सकता है? तो फिर उस वक्त मुझे क्यों नहीं रोका जब मैं ये बात कर रहा था? जी सर, मैंने रोका था, मुझे पता है आपका मैसेज आया था। तो खैर ये तो हमने 3 साल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लिया लगे हाथ, वो फिर भी ये पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि 89 डेज या 100 डेज हैं। तो ये भी देखना है कि इनकॉर्पोरेट हुए ही कितने कितना टाइम हुआ है तो उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगी। ए और बी क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सईद एंड कंपनी एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस होल्ड 1,000 शेयर इन द सब्सिडरी ऑफ FL। क्या मतलब? FL एक उसकी सब्सिडरी है और इस सब्सिडरी के अंदर पार्टनर की जो स्पाउस है वो शेयर होल्डिंग रखती है, उसने शेयर्स रखे हुए हैं। तो क्या मैं इस सब्सिडरी का ऑडिट कर सकता हूं? मुझे बताइए क्या मैं इस सब्सिडरी का ऑडिट कर सकता हूं? अगर स्पाउस ने शेयर्स रखे हुए हैं किसी कंपनी में तो क्या मैं उसका ऑडिट कर सकता हूं? मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस मैं ये बता दूं कि 90 दिनों के अंदर अंदर मैं डिस्क को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा,
और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज कर दूं, मगर मगर ये तो एक्सेप्शन है ना, बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, ईशा दो मिनट होल्ड करो, बेसिक रूल क्या है, क्या मैं सब्सिडरी का ऑडिट कर सकता हूं, मेरे पास शेयर हैं उस कंपनी के, डिस्पोजल वाला पॉइंट तो इसकी एक्सेप्शन में आता है ना, बेसिक रूल क्या है, कर सकता हूं या नहीं, नहीं कर सकता। तो अगर मैं एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाई हो गया हूं तो क्या मैं उसकी होल्डिंग के लिए डिस्क्वालिफाई होऊंगा, इस तरह खेलता है क्या वो, आपको एक कंपनी में डिस्क्वालिफाई करवा देता है और दूसरी कंपनी का पूछता है क्या तुम उस कंपनी में ऑडिट कर सकते हो, फिर आपने रिलेशन चेक करना होता है क्या उन दो कंपनीज के दरमियान कोई रिलेशन तो नहीं है, तो यस यहाँ पे रिलेशन था होल्डिंग सब्सिडरी वाला। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्क्वालिफाई हूँ बिकॉज मेरे पार्टनर के स्पाउस के पास शेयर्स हैं, तो मैं यहाँ पे भी डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा। बट अगर मैं ये बात कर दूं कि जनाब वो शेयर्स को बेच देगी और सब कुछ हो जाएगा तो फिर तो सही है, फिर मैं यहाँ पे भी अलाउ हूँ और यहाँ पे भी अलाउ हूँ, तो टेक्निकली सियासी जवाब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये तो हमने एसोसिएट का पॉइंट देखा था, तो भाई लॉ की नज़र में सब्सिडरी भी एसोसिएट होती है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में सब्सिडरी भी क्या होती है, एसोसिएट। शायद आपने वो डेफिनेशन क्लियरली नहीं पढ़ी, उस डेफिनेशन में वो बहुत चीख चीख के बता रहा है कि एसोसिएट के अंदर सब्सिडरी भी आ जाती है, लॉ उसको भी एसोसिएट मानता है। तो जनाब प्रेजेंटेशन के लिए सुफियान भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने सबसे पहले लिखना है वो रेलेवेंट लॉ, अब ये है एसोसिएट वाला पॉइंट, तो आप एसोसिएट वाले लॉ सबसे पहले लिखेंगे एक हेडिंग के साथ कि जनाब रेलेवेंट लॉ इसका ये है, देन आप सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे जनाब के डायरेक्टर्स ऑफ फजल लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट फलां कंपनी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसका जो पार्टनर है उसके शेयर्स हैं उसके पास, तो बिकॉज इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन ये मसला आ रहा है, और नीचे रीजन देंगे कि भाई या अपना आंसर लिखेंगे कि भाई इस वजह से ये बंदा अपॉइंट हो सकता है या अपॉइंट नहीं हो सकता। तो थ्री स्टेप्स में इसका आंसर बनेगा, सबसे पहले रेलिवेंट लॉ आ जाएगा, उसके बाद आपने सिनेरियो को लिंक करना है, और उसके बाद आपने जस्टिफिकेशन देनी है। ध्यान भाई क्लियर, थ्री स्टेप आंसर इसका आपने देना है। आगे चलते हैं जी पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में वो कहता है कि द डायरेक्टर्स ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैव अ पेड अप कैपिटल ऑफ 4.5 million, उन्होंने मिस्टर दाऊद को अपॉइंट किया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर, और दाऊद के पास डिप्लोमा है IFRS में जो कि ICAP से इशू हुआ है, और उसने आर्टिकल्स भी एक अच्छी फर्म से किए हैं, तो क्या दाऊद एक प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता है, क्या आर्टिकल सिर्फ करने से और डिप्लोमा हासिल करने से आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, नहीं, और मुझे बताइए 4.5 million का पेड अप कैपिटल है, तो इसका ऑडिटर वैसे भी किसको होना चाहिए था, एक CA को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो दाऊद जो कि CA में भी नहीं है वो भी नहीं कर सकता, तो भाई किस दुनिया में बैठे हो तुम, यहाँ का ऑडिटर कौन होना चाहिए, CA वाला भाई, ओनली CA। नेक्स्ट E, all directors of Hussain Associates Private Limited are chartered accountants, और कंपनी को ऑफर हुई है कि वो आके मसूद प्राइवेट का ऑडिट करें जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 10 lakh, 1 million, तो क्या हुसैन एसोसिएट्स ऑडिट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, 1 million है, 1 million है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हुसैन एसोसिएट्स क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट,
हुसैन एसोसिएट्स क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी है। तो इस वजह से आप ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, कंपनी किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। एम आई क्लियर? सवाल समझ आया पूरा? 10 नंबर आसान थे, 10 नंबर आसान है। ईशा आप कुछ बोल रहे हो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा दोबारा से खुद को अनम्यूट करके, सॉरी खुद को म्यूट करके दोबारा से अनम्यूट करो। सर अगर यहाँ हुसैन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट आता तो फिर वैलिड हो जाता। हाँ, अगर यहाँ पे आता हुसैन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो फिर तो वैलिड है ना, फिर उसके साथ जी लिमिटेड का सर, वर्ड ना आता। तो ये सवाल मजे का था, 10 नंबर, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे थे वो यहां से निकाल सकता था। किसी को इस सवाल में कोई मसला, कोई परेशानी? एनीवन, एनी सिंगल स्टूडेंट? जी अरीबा, क्या सवाल है आपका? यस आया है। सर रिपीट, सर किसको क्या चीज रिपीट करनी है? वो तो ठीक है, बट मैंने रिपीट क्या करना है? पार्ट ई, पार्ट ई में हुसैन एसोसिएट्स जो है वो एक कंपनी है, और कंपनी किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती, कंपनी किसी भी कंपनी का ऑडिट रीबा नहीं कर सकती, तो इसी वजह से हम हुसैन से ऑडिट नहीं करवा सकते। एम आई क्लियर नाउ? डन। जी मिस ईशा, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन परफेक्ट। ऑटम 11 की तरफ चलते हैं जनाब, 11 नंबर का सवाल शुरू करते हैं। गुआवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑल्टर ऑफ ऑरेंज बैंक। देखिए, बैंक आ गया, बैंक आ गया। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ गुआवा एंड कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट्स विद ओबीएल, और उनसे वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं। क्या देखना होता है हमें क्रेडिट कार्ड में? 90 दिन। क्रेडिट कार्ड में क्या चीज देखी जाती है? 90 दिन। अमाउंट कितनी? अमाउंट 1 मिलियन की। द मैक्सिमम अमाउंट जो कि पेंडिंग है एनी पार्टनर इज 3,99,000। तो क्या वो 1 मिलियन क्रॉस कर रही है? तो जनाब, क्या मैं यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता हूँ? क्या किसी भाई को इस अपॉइंटमेंट पे एतराज है, किसी बहन को एतराज है? तो मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है। तो अगेन, अब इसको आपने प्रेजेंट किया कैसे करना है? ऊपर लॉ आएगा, नीचे सिनेरियो आएगा, और उसके बाद आपका रिप्लाई आएगा। ये 3 स्टेप हमेशा याद रखने हैं, लॉ, उसका सिनेरियो, और फिर आपका सोल्यूशन। इज दैट क्लियर नाउ? अब चूंकि ये 11 नंबर हैं और पिछला सवाल 10 नंबर का था, तो हर पार्ट को 2 या 2.5 से ज्यादा आप नंबर नहीं दे पाओगे, तो उसमें आई कैप ने 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस का सोल्यूशन भी दिया होता है। आपने वो चीज फॉलो करनी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 3 स्टेप्स में आपने इसका आंसर लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई ये बच्चा कुछ करने आया, ये बच्चा सिर्फ एवी मुंह उठा के जवाब नहीं दे रहा, ही नोज हाउ टू मेक इट काउंट। बच्चे सारे वही जवाब देकर आएंगे जो आप लिख कर आएंगे, बट आपने अपने जवाब को सबसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? आपने हेडिंग्स का यूज करना है, आपने हेडिंग्स का यूज करना है। जी फायजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्ट बी, वो कहता है एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर्स ऑफ बनाना लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर पंपकिन हु इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट इज ऑन द बोर्ड ऑफ बनाना, और वो 25% शेयर होल्ड करता है वाटरमेलन में, और पार्टनर की स्पाउस भी वाटरमेलन में अपने शेयर्स रखती है। इंटरेस्टिंग केस, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अच्छा जी, एक है बनाना लिमिटेड, एक है वाटरमेलन लिमिटेड, और बनाना लिमिटेड के बोर्ड के ऊपर एक बैठा है मिस्टर पंपकिन, यानी कि मिस्टर पी, और यही मिस्टर पी जो है वो 25% की शेयर होल्डिंग रखता है वाटरमेलन में। तो मुझे बताइए, एक कॉमन बंदा
अगर दो जगहों पर है तो क्या ये कंपनी बीएल और डब्ल्यूएमएल आपस में एसोसिएट बनेंगी? क्या ये आपस में एसोसिएट बन जाएंगी? ईशा के साथ एक इख्तलाफ राय पाया गया। जी क्या ये एसोसिएट बन जाएंगी या नहीं? ईशा मुझे एक बात बताओ कि ये जो बंदा है वो कौन से वाला डायरेक्टर है? नॉमिनी। तो नॉमिनी डायरेक्टर अगर बीच में मौजूद हो तो एसोसिएट कंपनीज की एक एक्सेप्शन होती है कि अगर बीच में एक नॉमिनी डायरेक्टर आ जाए या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाए तो वो दो कंपनीज को आपस में एसोसिएट नहीं बनाता, वो दो कंपनीज को आपस में एसोसिएट फिर नहीं बनाता। तो बीएल और डब्ल्यूएमएल तो आपस में एसोसिएट नहीं हुए, बीएल और डब्ल्यूएमएल तो आपस में एसोसिएट्स नहीं हुए, क्योंकि जो मिस्टर पी है, मिस्टर पी है वो बीएल में डायरेक्टर है और डब्ल्यूएमएल में कौन है? 25% शेयर होल्डिंग रखता है। मुझे बताओ कि आपको ऑडिट करने के लिए किसका कहा गया है, बनाना का या डब्ल्यूएमएल का? चलिए अगर इसको मजीद क्लैरिटी के साथ करना है तो इसको एक ब्लैक स्क्रीन पे ले जाते हैं, अलग से कर लेते हैं। ले जी एक अलग से ब्लैक स्क्रीन मैंने खोल दी है। क्या आपको खाली ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है? प्रॉपर ब्लैक स्क्रीन नहीं शो हो रही? अब शो हो रही है। अच्छा एक है, सवाल समझना ध्यान से, एक है बनाना लिमिटेड, एक है वाटरमेलन लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं। फर्म को ये कहा जा रहा है कि तुमने बीएल का ऑडिट करना है, ऑडिट का करना है बीएल का। फिर ये बताया गया कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर पी या मिस्टर पंपकिन, वो भाई साहब जो है वो यहां पे बतौर नॉमिनी डायरेक्टर काम कर रहे हैं और यहां पे वो 25% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। तो देखने में ये लग रहा है कि ये बंदा दोनों कंपनीज के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है, एक में वो नॉमिनी डायरेक्टर है और दूसरे में वो 25% शेयर होल्डिंग का मालिक है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या इस कॉमन बंदे की वजह से, ये जो कॉमन पर्सन है, क्या इसकी वजह से ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट बनती हैं या नहीं बनती। हमारा पहला फैसला तो ये है कि दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट हैं या नहीं है। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो मिस्टर पंपकिन है ये एक कंपनी में क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर, एक कंपनी में क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर, और अगर नॉमिनी डायरेक्टर बीच में आ जाए तो दो कंपनीज आपस में एसोसिएट्स नहीं कहलाते। अब उसने ये कहा कि ये जो फर्म जिसने ऑडिट करना है उसका एक पार्टनर है और इस पार्टनर के शेयर्स इस कंपनी में मौजूद हैं, तो क्या बीएल का और डब्ल्यूएमएल का आपस में कोई रिश्ता है? तो अगर यहां पे शेयर होल्डिंग हो रही है तो क्या मुझसे कुछ, क्या मुझे कुछ कोई फर्क पड़ना चाहिए इस शेयर होल्डिंग की वजह से, या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ था? नहीं हुआ था। तो यहां पे अगर शेयर होल्डिंग हो तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, घंटा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि हम तो एसोसिएट नहीं है। तो यहां पे बेशक जितनी मर्जी शेयर होल्डिंग कर ले, मैं बीएल के लिए क्वालिफाई कंसिडर किया जाऊंगा
मुझे यहाँ पे ऑडिट करने में कोई मसला नहीं है। क्लियर हुई? केस स्टडी क्लियर हुई? सबको क्लियर हुई? वापस जाऊं? डन। ले जी वापस चलते हैं। मिस्टर जहीर एक लीगल प्रैक्टिशनर हैं और उनको अपॉइंट किया जा रहा है कि आओ आके लीची का ऑडिट कर दो, और लीची का जो पेड अप कैपिटल है वो 1.5 मिलियन है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो 40% ब्लू ब्लैक लिमिटेड की सब्सिडरी भी कहलाती है, हालांकि 40% है, सब्सिडरी तो खैर नहीं बनेगी, और ब्लू ब्लैक एक लिस्टेड कंपनी है। तो मुझे बताओ 40% से क्या सब्सिडरी बनती है? नहीं। चलो सारी बातें छोड़ो, क्या एक लीगल प्रैक्टिशनर ऑडिट कर सकता है? क्या वो क्वालिफाइड है? क्या उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है? तो क्या मुझे आगे कुछ सोचने की जरूरत है? कहानी तो यहां तक पढ़ने से ही मैं खत्म कर चुका था। एक लीगल प्रैक्टिशनर फायदा किसी को ऑडिट नहीं कर सकता। हमने क्या पढ़ा था, 3 मिलियन या उससे ज्यादा हो तो सीए करेगा, 3 मिलियन या उससे कम हो तो सीए भी कर सकता है और सीएमए भी कर सकता है। तो ना तो जहीर सीए है और ना ये सीएमए है। तो इवन दो ये 1.5 है, 3 मिलियन से कम है, मगर इसको कम से कम सीएमए होना चाहिए था ऑडिट करने के लिए, अदरवाइज ये ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। फाइजा इज दैट क्लियर विद यू नाउ? ठीक, एक स्टेप मजीद आगे चलते हैं। वॉलनेट एंड कंपनी, वॉलनेट एंड कंपनी को ऑफर हुई है कि आओ और आके ऑडिट करो वसीम का, और हु वर रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। हाँ जी, टर्म कंप्लीट होने से पहले उनको निकाल दिया गया था, तो अगला ऑडिटर कौन लेकर आता है? टर्म पूरी होने से पहले अगर हम एक बंदे को निकाल दें तो अगला ऑडिटर कौन लेकर आता है? गलत जवाब दे रहे हो सारे। टर्म खत्म होने के अंदर अंदर अगर आप एक बंदे को निकाल दो तो अगला ऑडिटर डायरेक्टर लेकर आते हैं, मगर एससीसीपी की अप्रूवल चाहिए होती है। एससीसीपी लेकर नहीं आता, लेके डायरेक्टर ही आते हैं, मगर एससीसीपी अप्रूवल देती है। तो अगला बंदा कौन लेकर आएगा? डायरेक्टर लेकर आएगा। किसकी अप्रूवल से लेकर आएगा? एससीसीपी की। फिर मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म एज अ पार्टनर, ही हैज सर्वड ऑन द बोर्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी अंटिल 30 जून 2009 एज अ गवर्नमेंट नॉमिनी। अच्छा, एजीएम हुई थी 31 अगस्त को, शेयर होल्डर ने प्रपोज किया था उसका नाम 30 जून 2012 के ऑडिट के लिए। मुझे बताओ क्या 3 साल का वक्फा गुजर चुका है? एक बंदा जो कि पहले कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था, उसको ऑडिट करने के लिए हमने क्या देखना होता है कि 3 साल का वक्फा गुजरा है या नहीं? तो मुझे बताओ क्या ये वक्फा गुजरा 3 साल का? हमें नहीं, उसके लिए डिपेंड नहीं करता कि वो नॉमिनी है या नहीं, हमें नॉमिनी वाली बात सिर्फ एसोसिएट के रिलेशन में देखनी है, अदरवाइज तो वो कंपनी का ईशा डायरेक्टर तो है। नॉमिनी वाली बात सिर्फ हम उस वक्त तक देखते हैं जब हमने दो कंपनीज के दरमियान एसोसिएट्स का रिलेशन डेवलप करवाना होता है, उसके अलावा हमने नॉमिनी को इग्नोर मारना है। अगर लिखा भी हुआ है तो हमें ये पता है कि वो एटलीस्ट डायरेक्टर तो है ना, बेशक वो नॉमिनी है मगर वो फर्म कंपनी के लिए डायरेक्टर तो है। तो क्या 3 साल गुजर चुके हैं? नहीं गुजरे। तो क्या ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ऑटम 11 का सवाल सबको क्लियर हो गया? ऑटम 11 सबको क्लियर है? आगे चला जी पाए, आगे चला, चलिए आगे, लेट्स मूव। स्प्रिंग 12, स्प्रिंग 12,
नहीं ऐसे नहीं कहते ईशा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे मार्क्स आपके ही इंशाल्लाह। वकार भाई पार्टनर हैं सुहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में। जब भी सवाल आए ना सवाल को सुकून से पढ़ना है। मैं जरा जल्दी में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जी, तो आपने उसको सुकून से पढ़ना। अच्छा जी, वकार भाई पार्टनर हैं सुहेल में, और सुहेल जो है वो ऑडिटर है किसकी, वसीम लिमिटेड की, और ईयर एंड क्या है 2011। वकार जो कि पार्टनर है उसका एक और बिजनेस भी था, फूड बिजनेस, जहां पे आकिब काम करता था, उसका बिजनेस पार्टनर था, और वो रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ वसीम लिमिटेड। जरा सोच के बताइएगा कि किस तरफ कहानी को टर्न कर रहा है, और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताइएगा कि क्या यहाँ पे अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सुकून से ए पार्ट को देखें। मैं खामोश हूँ, आपने मुझे लिख के बताना जी। तो बहुत मजे मजे के जवाब आ रहे हैं और काफी कंफ्लिक्टिंग जवाब आ रहे हैं। जवाब पढ़ते हैं आपके। सबसे पहले सर 3 साल गुजर चुके हैं, अच्छा ये कौन लिख रहा है यार, ये काम ना किया करो तो मुझे, वरना आपको मना करना पड़ेगा, मैंने मना कर दिया। वैसे मैं बाय डिफॉल्ट मना नहीं करता बट चलो। अच्छा जी, यस सर बिकॉज करंटली वो पार्टनर नहीं है। यस सर पार्टनर पास्ट में था, सर पार्टनर था इन बिजनेस, अब नहीं है सो ऑडिट कर सकता है, लेकिन अब डायरेक्टर बन गया है। 3 साल गुजर चुके हैं बट अब डायरेक्टर है, आखिर डायरेक्टर है, 3 साल नहीं देखा जाएगा, अपॉइंटमेंट वकार की है। सियासी जवाब भी आप लोग दे रहे हैं। आई कैब से पूछते हैं, आई कैब क्या कहता है। आई कैब ने कहा कि सुहेल एंड कंपनी कैन कंटिन्यू टू बी ऑडिटर ऑफ वसीम लिमिटेड। वकार भाई जो है वो पार्टनर थे कब, 2 साल पहले, और रिस्ट्रिक्शन किस पे है, मौजूदा पे। याद करें मैंने क्या कहा था कि अगर कोई बिजनेस हो तो वो मौजूदा बिजनेस कंसिडर किया जाएगा, अगर वो मौजूदा नहीं है, अगर वो मौजूदा नहीं है तो फिर क्या होगा, वैलिड होगा। तो क्या वो मौजूदा बिजनेस था उसका, क्या वो मौजूदा बिजनेस था तो क्या अपॉइंटमेंट हो पाएगी। मैंने उस वक्त ये पॉइंट समझाते हुए कहा था कि यार ख्याल रखना है इस पॉइंट का, क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट कंफ्यूज करता है। तो मजा आया, अभी तक मुझे ये सबसे ज्यादा मजे का पॉइंट लगा, एक ये वाला और एक वो बनाना और वाटरमेलन वाला पॉइंट मजे का था। आगे चलते हैं। अलीम आसिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गुल लिमिटेड। कमाल भाई जो पार्टनर्स हैं इसमें वो गुल में 5,000 शेयर्स रखते हैं, और 30 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए कामरान को, जो कि मैनेजर है उसी कंपनी में, अपने बेटे कामरान को। तो मुझे बताइए क्या उसने सही किया, क्या शेयर्स अब अलीम के पास हैं, क्या शेयर्स अलीम के पास हैं या उसके बेटे कामरान के पास हैं। कामरान के पास है, तो क्या कामरान माइनर है या मेजर है, क्या कामरान माइनर है या मेजर है। कामरान मेजर है, तो अगर वो मेजर है, अगर कामरान मेजर है तो क्या उसके ऑडिट करने में कोई मसला आएगा। तो ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल क्या है, वैलिड है। ये अपॉइंटमेंट क्या है, बिल्कुल वैलिड है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी कल प्रैक्टिस की हो, अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हो तो आपको इस वक्त डिस्कशन में फायदा हो रहा होगा। जी मुनीब रफाकत कह रहे हैं कि सर इसने एक्सेप्टेंस के टाइम पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। भाई वो डिस्क्लोज क्या, वो बेच चुका है, वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर चुका है।
दो स्टेप थे ना, डिस्क्लोज करना और फिर बेचना। तो डिस्क्लोज करना आसान होता है, बेचना मुश्किल होता है, मगर वो बेच चुका है। तो जब वो बिल्कुल अपने शेयर्स बेच चुका है तो हमें कोई एतराज फिर नहीं होना चाहिए। डन मुनीब रफाकत भाई, मुनीब रफाकत भाई कितने चले गए हो, पाया ना आइयो, वापस आइयो दुनिया से। सर हम तो बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं, तो हम तो देखेंगे कि ना अपॉइंटमेंट के टाइम पर डिस्क्लोज किया था या नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, मगर डिस्क्लोज करने के बाद वाला स्टेप जब वो कर चुका है, डिस्पोज कर चुका है, तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि उसने डिस्क्लोज भी कर दिया, क्योंकि वो सेकेंड स्टेप पे खड़ा हुआ। दो बात थी ना कि आपने पहले डिस्क्लोज करना है, फिर आपने डिस्पोज करना है। तो जब ये स्टेप कर रहा है तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि इसने डिस्क्लोजर भी पहले दे दिया होगा अपॉइंटमेंट के टाइम पे। और जब अपॉइंटमेंट हो गई तो 90 दिन का टाइम था बेचने का, उसने क्या किया, उसने 30 दिन के अंदर अंदर ही अपने बड़े बेटे को बेच दिया, कामरान को। तो जब उसने बड़े बेटे को बेच दिया तो कहानी खत्म हो गई। मुनीम रफाकत भाई क्लियर हुई? अगर आप लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, आईकैप का एग्जामिनर खुशी होगा, परेशान नहीं होगा, आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, साजिद हमीद एंड कंपनी। साजिद हमीद एंड कंपनी ऑडिटर्स हैं मीर हसन के, काशिफ भाई जो हैं वो सीनियर मैनेजर हैं और उनको प्रमोट किया जा रहा है बतौर पार्टनर। वो पढ़ाते हैं एक कॉलेज में और कॉलेज एक ट्रस्ट की मलकियत है और उस ट्रस्ट के ऊपर जो ट्रस्टीज बैठे हैं वो MHL के दो लोग बैठे हैं। मुझे बताइए साजिद बेसिकली किसका मुलाजिम है, इन डायरेक्टर्स का या इस ट्रस्ट का? हमने कहा था कि एम्प्लॉई बतौर ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, तो सवाल मेरा ये है कि क्या वो ट्रस्ट का एम्प्लॉय है या वो ट्रस्टीज का एम्प्लॉय है? वो एम्प्लॉय है ट्रस्ट का, वो एम्प्लॉय है ट्रस्ट का। तो यहां पे क्या अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं? यहां पे अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है, यहां पे अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट, सलीम भाई पार्टनर है ऑरिजन कंपनी में, वो जाती तौर पे भी ऑडिट करते हैं और उनको ऑफर हुई है कि आओ और आके ABC फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑडिट करो जो कि सब्सिडरी है इसी बैंक की। तो यानी कि एक उसने बैंक खड़ा किया और फिर एक उसकी सब्सिडरी बना दी। बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग था क्रेडिट कार्ड का वो है जनाब 110500 और ये किसका है, ये किसी एक पार्टनर का, टू आ पार्टनर, ये सलीम का नहीं है। सलीम के अलावा कोई और पार्टनर होगा जिसका ये बैलेंस है। तो मुझे बताओ क्या आप इस बैंक का ऑडिट कर सकते हो? क्या क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड कर गई है? क्या बैंक में ऑडिट करने के लिए आप एलिजिबल हो इस टाइम पे? क्या बैंक में ऑडिट आप कर सकते हो इस टाइम के ऊपर, या लिमिट एक्सीड कर चुकी है? लिमिट एक्सीड कर चुकी है। तो जब आप ऊपर वाली कंपनी में डिस्क्वालिफाई हो रहे हो तो क्या उसके जो अंडर कंपनी आ रही है क्या फर्म यहां पे ऑडिट कर सकती है? नहीं कर सकती। मगर एक बात बताओ, उसने ये क्यों कहा कि वो बतौर सोल प्रोप्राइटर भी काम करता है? उसने ये क्यों कहा, क्यों आपको हिंट दिया? उसने ये हिंट आपको दिया तो क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि वो जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो तो किसी और पार्टनर का है, इसका तो नहीं है, मगर उसकी वजह से फर्म डिस्क्वालिफाई हो गई,
मगर ये भाईजान जो हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो काम कर सकते हैं, उनके पास अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी तो है। तो यहां पे वो बतौर इंडिविजुअल कैपेसिटी, बतौर सोल प्रोप्राइटर अपॉइंट किया जा सकता है। फर्म के केस में अपॉइंट फर्म नहीं होगी क्योंकि लिमिट एक्सीड कर चुकी है। पॉइंट डी समझ आया? पॉइंट डी सबको क्लियर है? जी फायजा का सवाल है पॉइंट सी में। जी फायजा, क्या मसला है पॉइंट सी के अंदर, मुझे बताइए पॉइंट सी में क्या इश्यूज हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा ईशा, दिस ऑल कम्स विद प्रैक्टिस। भाई देखो, ट्रस्ट और ट्रस्टीज दो अलग अलग लोग हैं ना। ट्रस्ट और ट्रस्टीज, वो इंप्लॉय किसका है? ट्रस्ट का। और ट्रस्टीज क्या होते हैं? जो कि उसके बोर्ड पे बैठे होते हैं। तो कभी कभी जी, कभी कभी आईकैप ऐसे करता है, वो एक कंपनी में आपको डिस्क्वालिफाई करवा देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि आप दूसरी कंपनी के बारे में बताएंगे, और ये चेक करना होता है कि क्या इन दोनों कंपनीज में आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है। तो अगर तो रिलेशन वो बता दे साफ साफ तब तो मसला नहीं है, अगर ना बताए फिर आपने चेक करना है कि क्या ये आपस में एसोसिएट्स तो नहीं। तो ये सारी चीजें देखनी है। सर कैसे ट्रस्ट का तो लिखा हुआ है, द कॉलेज इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट, द कॉलेज इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट की मलकियत है और वो बंदा ट्रस्ट का एम्प्लॉय है, इन डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय नहीं है। तो फायजा ये आपने सवाल दोबारा करना है, दोबारा मसला आएगा तो जरूर पूछना। हम जरा एक स्टेप मजीद आगे जाने की कोशिश करते हैं, जमान वाला सवाल देखते हैं। जमान इज अ पार्टनर इन अ फर्म और वो होल्ड करता है 5,000 शेयर मर्दान लिमिटेड में। फर्म को ऑफर हुई है कि उसने आगे ऑडिट करना है खानेवाल का, और उसने बता दिया कि एमएल और केएल जो है वो डीकेएल की क्या है, सब्सिडरीज है। अब देखें, करना किसी और का है, रिलेशन वो किसी और का बता रहा है और कहानी को घुमा रहा है। इसको बना के देखते हैं। जमान पार्टनर है और ये शेयर्स रखता है, और ये शेयर्स रखता है कहाँ रखता है? एमएल में, ठीक है। जमान की फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है केएल में, फिर उसने कहा कि एमएल और केएल ये आपस में क्या है, सब्सिडरीज हैं, और इनकी जो एक मेन होल्डिंग है वो है डी के एल। तो यानी कि डी के एल की एक सब्सिडरी ये है और दूसरी सब्सिडरी ये है, डी के एल मेरी होल्डिंग है। अच्छा, तो आपने ऑडिट कहाँ का करना है, डी के एल का, एम एल का या के एल का? आपने ऑडिट किसका करना था, एम एल का, डी के एल का या के एल का? ऑडिट आपने करना था केएल का। अब शेयर्स कहां पे रखते हो? यहां पे। और होल्डिंग की दो सब्सिडरीज क्या आपस में एसोसिएट्स होती हैं? होल्डिंग की दो सब्सिडरीज क्या आपस में एसोसिएट्स कहलाई जाती हैं? बिल्कुल कहलाई जाती हैं। तो अगर मैं यहां पे शेयर होल्डिंग कर रहा हूं तो क्या मुझे यहां का ऑडिट मिल सकता है? सिर्फ उसी वक्त में मिल सकता है कि जब मैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये बात डिस्क्लोज कर दूं, प्लस 90 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंट होने के बाद डिस्पोज भी कर दूं, सिर्फ उसी केस में मैं आगे चल पाऊंगा, अदरवाइज मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा।
अब देखो ईशा हुआ क्या, उसने कहानी शुरू की थी एक कंपनी से जिसका ऑडिट करना था, फिर उसने कहा कि पार्टनर के एक और कंपनी में शेयर्स हैं, और फिर दोनों के दरमियान उसने एक रिलेशन डेवलप करवाया हमसे, जिससे वो ये चेक करता है कि बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल वे में चल रहा है या उसने सिनेरियोस को रट्टा लगाया हुआ है। तो आपने ये रट्टे वाली स्कीम को फॉलो नहीं करना। ये सवाल अगेन एक अच्छा सवाल है, पहले हमने दो तीन सवाल आइडेंटिफाई किए, उसमें ये वाला सवाल भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा जो हमने जितने भी सवाल देखे हैं वो सीधा सीधा थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। पार्ट ए समझ आया? जी मुनीब भाई सही कह रहे हैं, पार्ट ए समझ आ गया। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में वो क्या हमें बातें बता रहा, जरा इसको लिखते हैं, क्योंकि स्नैरियो बड़ा है, जरा इसको बनाते हैं। बिलाल एंड कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर कि उसने ऑडिटर बनना है आई जे के का। ले जी, एक कंपनी आई मेरे पास आई जे के लिमिटेड, ये कंपनी है। द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 990 मिलियन। ले जी, टोटल पेड अप कैपिटल उसने बताया वो है 990 मिलियन, वेयर एज इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 130 मिलियन। तो पेड अप टोटल कितना है? 990, जिसमें से ऑर्डिनरी कितना है? 130। तो बाकी कौन सा होगा और कितना होगा? बाकी कौन सा होगा और कितना होगा? 990 में से अगर 130 ऑर्डिनरी है तो प्रेफरेंस कितना होगा? 860। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रेफरेंस वाला है, अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा आगे, फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज डायरेक्टर इन LMN। ओके, एक और कंपनी उसने खड़ी कर दी LMN के नाम से, और उसने ये कहा कि जो फर्म है बिलाल एंड कंपनी, इसमें जो पार्टनर है बिलाल, उसकी जो बीवी है, जो वाइफ है, वो LMN के अंदर 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रखती है, एंड वो 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स भी रखती है। किसमें? आई जे के में। तो यानी कि इसको मुझे यहां से बल्कि मिटा देना चाहिए, यहां पे उसके पास है 50 मिलियन के नॉन वोटिंग शेयर्स, और दूसरी तरफ जो कंपनी है आई जे के उसमें वो रखती है 2 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा ये बात हम लोगों ने देखी। अब फरियाल ऑल्सो होल्ड 10,000 शेयर्स इन LMN लिमिटेड। मुझे बताइए आवाज सही आ रही? आवाज क्या, आवाज सबको क्लियर है? क्योंकि यहां से एकदम से आवाज ड्रॉप हुई थी। ठीक, आवाज सबको क्लियर है? एक काम करते हैं, इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं, क्योंकि आवाज मुझे लगता है शायद सही से ट्रांसफर नहीं हुई, तो इसको करके लेक्चर आज का एंड करते हैं। ले जी, इसको देखते हैं। एक फर्म है बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिलाल, और उनको ऑफर मिली है कि उन्होंने अपॉइंट होना है आई जे के लिए। तो एक कंपनी खड़ी करते हैं यहाँ पे एक अलग रंग से, आई जे के लिमिटेड। कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है वो है
990 मिलियन, और उसमें जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो है 130 मिलियन का, तो जो बचता है उसको हम प्रेफरेंस कर देते हैं 860 मिलियन में। यहां तक हमने सवाल को डायग्रामेटिकली उतार लिया। अब रेड कलर से उसकी वाइफ को लेकर आते हैं, फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर कौन सा? पार्टनर का नाम है बिलाल। तो बिलाल के पार्टनर है, उसकी एक अदद वाइफ है, और वो वाइफ डायरेक्टर है कहाँ पे? LMN में। ये वाइफ बतौर डायरेक्टर काम कर रही है, एक और कंपनी खड़ी करते हैं और कंपनी का नाम है LMN लिमिटेड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक डायग्रामेटिक फॉर्म में क्लियर हुआ सवाल? जी, यहां तक डायग्रामेटिक फॉर्म में सवाल क्लियर हुआ सबको? अब यहां से थोड़ी सी अंग्रेजी में इशू आता है, थोड़ी सी अंग्रेजी मार खाएंगे यहां से ना। लाइन दोबारा पढ़ें। लाइन ये है कि फरियाल जो के पार्टनर की बीवी है वो डायरेक्टर है LMN में, जो के 50 मिलियन शेयर्स वोटिंग नॉन वोटिंग वाले और 2 मिलियन ऑर्डिनरी वाले रखता है IJK में। मुझे बताएं ये किसकी बात हो रही है? ये 50 मिलियन और ये 2 मिलियन, क्या ये फरियाल की बात हो रही है या ये LMN की बात हो रही है? यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी अंग्रेजी में मार खा जाते हैं। ये LMN की बात हो रही है, आईडीडी यहां पे कॉमा होना चाहिए था सवाल में। तो LMN जो है, ये जो LMN है ये IJK के अंदर 50 नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और 2 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स रखती है। तो क्या मुझे जरा यहां तक बताइए, LMN और IJK में क्या होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन आ रहा है? क्या होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन कायम हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा। और एंड पे वो बता रहा है कि फरियाल ऑल्सो होल्ड 10,000 शेयर्स इन LMN। फरियाल जो है वो यहां पे भी 10,000 शेयर्स तो होल्ड करती है। अब इतना कुछ ड्रॉ करने के बाद सवाल किधर है? सवाल यह है कि आपने कहां पे अपॉइंट होना था? IJK में, यानी कि यहां पे। तो क्या जो LMN है उसका कोई रिलेशन है IJK के साथ? LMN का क्या कोई रिलेशन है IJK के साथ? नो रिलेशन। तो पार्टनर की बीवी अगर LMN में शेयर होल्ड कर रही है 10,000, तो क्या मुझे इससे कोई तकलीफ होनी चाहिए? अगर आप गौर करें तो ये वैसा ही सवाल है जैसे अभी थोड़ी देर पहले देख कर आए थे। उसने बस शेयर कैपिटल और अजीबोगरीब नाम डाल के बच्चों को कंफ्यूज किया कि वो जल्दबाजी में कहते हाँ हाँ ये ऑडिट कर सकता है। इतना बड़ा सवाल दिया हुआ है तो शायद ये सही कह रहा होगा। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, एक फस क्रिएट कर रहा था। चूंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन तो हम सिरे से नहीं देख रहे होंगे, हम लोग IJK का ऑडिट आसानी से कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही कंफ्यूज कर रहा। असल में तो कोई मसला है ही नहीं। जी मैं शीशा, जल्दी पूछें जो सवाल आपका, क्योंकि 9:05 हो गए हैं एंड वी हैव टू वाइंड अप। जनाब ये लें, बिलाल एंड कंपनी एलिजिबल हैं, बिलाल एंड कंपनी एलिजिबल हैं IJK
के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो एसोसिएट नहीं बनी, क्यों? क्योंकि 15.4% की शेयर होल्डिंग है, हालांकि कितनी होनी चाहिए थी सब्सिडरी बनने के लिए 50 और एसोसिएट बनने के लिए 20, है कितनी? तकरीबन 15.5। और जब वो नॉन वोटिंग की बात कर रहा है तो वो वैसे ही हमारे से रेलेवेंट नहीं है। अब जरा 2 को 130 पे डिवाइड करके बताइएगा आंसर क्या आता है। समथिंग आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि पार वैल्यू 10 थी, तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा 15.4 समथिंग। सवाल में उसने पार वैल्यू अलग से दी हुई है 10, तो आपको इससे मल्टीप्लाई भी करके देखना था। सो दैट्स इट, यहां तक हम अपना ये वाला लेक्चर एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस कल कंटिन्यू रहेगी और इसी के साथ हम कल ये चैप्टर अपना एंड करेंगे। वो जो वीडियो की मैं बात कर रहा था, वो वीडियो का लिंक मैं आज आपसे शेयर करूंगा ताकि आप उसको भी देखें, और जो सवाल अभी रह गए हैं वो प्लीज कल एक दफा देख के आइएगा। टक्कर मार के आएंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। सर टेस्ट संडे को क्यों है? क्योंकि आईकेएफ की जो नई डेट शीट आई है उसमें ऑडिट का टेस्ट नेक्स्ट वीक में उन्होंने डाल दिया, और वो नेक्स्ट वीक है मंडे का, नेक्स्ट वीक। और मंडे वाले दिन FAR 2 का टेस्ट भी होता है, और बहुत सारे कॉमन बच्चे FAR 2 और ऑडिट इकट्ठा दे रहे होते हैं, तो हमें उनमें क्लैश नहीं डालना था। तो मंडे को FAR 2 का होगा और संडे वाले दिन ऑडिट का होगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।